हिंदुस्तान ने कल अपनी आज़ादी की 77वीं वर्षगांठ मनाई। उससे एक दिन पहले पाकिस्तान भी अपनी आज़ादी का उत्सव मना रहा था, लेकिन इस बार भारत का आज़ादी पर्व सिनेमा प्रेमियों के लिए खास हो गया। इसके पीछे हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच की एक ऐसी प्रेम कथा जिसके दर्शकों दर्शक गुजर जाने के बाद भी दर्शकों के दिलों में उसका एहसास बाकी है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सनी देओल और अमीषा पटेल की फिल्म गदर 2 की। दोस्तों, गदर 2 ने बॉक्स ऑफिस पर गदर मचा दिया। सनी देओल की फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हर दिन रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर रही है, लेकिन पांचवें दिन फिल्म ने जो कलेक्शन किया क्रिटिकस की कल्पना से भी परे है। गदर 2 ने स्वतंत्रता दिवस के हॉलीडे को जमकर कैश किया। फिल्म ने 55 करोड़ का विस्फोटक कलेक्शन किया है। जी हाँ दोस्तों, तारा सिंह और सकीना की लव स्टोरी के साथ साथ भारत और पाकिस्तान के बीच खिंची पुरानी दुश्मनी की दीवार पर बैंड फिल्म गदर 2 ने बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रच दिया। फिल्म ने पांचवें दिन छप्पर फाड़ कर कमाई की है और स्वतंत्रता दिवस पर इसने डंका पीट डाला है। दोस्तों, सनी देओल की फिल्म गदर 2 बॉक्स ऑफिस पर इंडियन सिनेमा में इतिहास में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन चुकी है। गदर 2 की गरज दूर तक जा रही है और फिल्म छप्पर फाड़कर कमाई कर रही है। सनी देओल और अमीषा पटेल स्टार फिल्म गदर 2 ने पांचवें दिन स्वतंत्रता दिवस पर ऐसी दहाड़ लगाई है जिसे देखकर हर कोई हैरान है। दोस्तों, 22 साल पहले बनी फिल्म गदर की सिक्वल गदर 2 बॉक्स ऑफिस पर चमत्कार साबित होगी, ये शायद पहले किसी ने नहीं सोचा होगा। जानते हैं 15 अगस्त को फिल्म ने कमाई कितनी की है। दोस्तों, फिल्म के पांचवें दिन हॉलीडे यानी स्वतंत्रता दिवस का भरपूर फायदा मिला। यही वजह है कि गदर 2 ने बम फाड़ कमाई करते हुए मंगलवार के दिन बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा डाला है। आज तक शायद ही पहले कभी हुआ हो कि फिल्म ने मंगलवार के दिन अपने ओपनिंग या फिर संडे से अधिक कमाई की है, लेकिन इस बार गदर 2 ने ये भी कर दिखाया है। तो सनी देओल की इस फिल्म ने पांचवें दिन करीब 55 करोड़ की कमाई कर बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रच डाला है। दोस्तों, बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड रखने वाली फिल्म ने एडवांस बुकिंग के बदौलत पहले ही दिन शुक्रवार को 40 करोड़ रुपए की कमाई की थी। वहीं दूसरे दिन शनिवार को इसने 43 करोड़ की कमाई की और तीसरे दिन रविवार को 51 करोड़ की कमाई कर डाली है। और ऐसा लग रहा है कि फिल्म की कमाई कार्ड में ये नंबर होता सबसे अधिक रहने वाला है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसने सोमवार को 38 करोड़ की कमाई की। ये आंकड़े रविवार की तुलना में 25% कम जरूर रहे, लेकिन अगर बॉलीवुड की शानदार फिल्म में सोमवार के आंकड़ों पर नज़र डालें तो 2 ने कमाल कर दिया। ऐसी उम्मीद थी कि फिल्म के पांचवें दिन हॉलीडे का भरपूर फायदा मिलेगा और ये फिल्म भी 5 दिनों में फिल्म ने 228 करोड़ रुपए की कमाई कर डाली। दोस्तों, बताया जा रहा है कि फिल्म की ऑक्यूपेंसी 15 अगस्त को ओवर 73% रही है। सबसे अधिक भीड़ इवनिंग शोज में देखे जो 15% रही, मॉर्निंग शोज में 70% और दोपहर के शोज में 96% पेशी दर्ज की गई। दोस्तों, अनिल शर्मा के निर्देशित इस फिल्म ने जहां 4 दिनों में केवल इंडिया में 163 करोड़ रुपए का नेट कलेक्शन किया, वहीं ग्रांस कलेक्शन 205 करोड़ रहा है। दोस्तों, मंगलवार तक यानी 5 दिनों में फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 298 करोड़ रुपए की कमाई कर ली। देशों में इसने अब तक 28 करोड़ की कमाई की है। 5 दिनों में फिल्म ने ग्रॉस 70 करोड़ रुपए की कमाई की है। दोस्तों, बॉक्स ऑफिस इंडिया रिपोर्ट के मुताबिक स्वतंत्रता दिवस के मौके पर टिकट खिड़की पर ऐतिहासिक नज़ारा दिखा है। दोपहर के शो के लिए टिकट भी नहीं अवेलेबल थे। तो सिनेमाघरों में ये सिंगल रिलीज फिल्म होती तो माना जा रहा है, लेकिन फिल्म की कमाई गदर 2 और को मिलाकर उससे अधिक होती। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि फिल्म 75 करोड़ रुपए की कमाई कर सकती है। स्वतंत्रता दिवस देशभक्ति वाली फील को लेकर इस फिल्म के लिए लोगों में जबरदस्त क्रेज दिखा और यही वजह है कि भीड़ हर दिन की तुलना में मंगलवार को सिनेमाघरों के बाहर सबसे अधिक नजर आई।
फिल्म की सफलता इस बात की ओर इशारा करने लगी है कि यह सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर हिंदी फिल्मों में से एक होगी। संभव है कि सबसे अधिक नेट प्रॉफिट वाली फिल्म भी साबित हो गदर 2।